म्यूजियम में जब 3D देखते हैं तो ऐसा लगता है जी चश्मे पहन के, ऐसे चश्मे हम लोगों को दे दिए जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ें टॉर्टाइज, ये जहाज और जो मछली डॉल्फिन ये सब कुछ बाहर आ रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिखाया जाता है साइंस ऑन स्पेयर, अंतरिक्ष से धरती हमें कैसे दिखाई देती है। एक स्काई का ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर करवाया जाता है, बच्चों को भी दिखाया जाता है, स्काई का ऑब्जर्वेशन करवाया जाता है यहाँ पर। लोग आके अपने बच्चों को दूरबीन के द्वारा चीज़ों को दिखाते हैं। फिर एक राइट ब्रदर्स सिमुलेटर बिठाते हैं, ऐसे एक स्टेज बना हुआ है, बच्चों को यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि कैसे राइट ब्रदर जो हैं उड़ते थे, और इनको महसूस होता है बच्चों को इस जगह पर आके। इसके बाद अलावा बच्चों को पूरे देश से इनवाइट करा जाता है साइंस शो के लिए, कि वो अपना प्रदर्शन कुछ और करके दिखाते हैं, नया से नया साइंटिस्ट के साथ में रहते हैं। और तारामंडल में बैठकर, ये तारे दिखाई दे रहे होंगे, ये तारामंडल में बैठकर ऐसा लगता है जैसे हम सितारों के बीच में आ गए, अंधेरा कर दिया जाता है, एक मंच बन जाता है इस तरीके का। नीचे सबसे इंजन हॉल है, इसको जीरो लेवल बोलते हैं, और इसके डायनासोर अलाइव। उसके बाद में लेवल वन पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो जाती है, बच्चों के लिए फन साइंस शुरू हो जाती है। लेवल टू पर फिर बायो टेक्नोलॉजी शुरू कर देते हैं ये लोग। उसके बाद में स्पेस टेक्नोलॉजी शुरू हो जाती है, लेवल टू पे ही है सारा। लेवल थ्री पर जब जाते हैं तो चिल्ड्रन साइंस शुरू हो जाती है, छोटे बच्चों के लिए साइंस शुरू हो जाती है। और चौथे में ये बेल हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाया जाता, तरह तरह की घंटियाँ हैं। ये सारा कुछ विश्व ब्रह्मैया इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर है बेंगलोर में।